हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन एंड पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का एंड पॉइंट क्या है, यानी अपने को पता कैसे चलेगा कि डीकैल्सिफिकेशन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जो टिश्यू बायोलॉजिकल सैंपल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके अंदर जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं, उनका एस्टिमेशन कैसे करेंगे वो सारा डिस्कस किसमें करेंगे, आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें क्या था, एक तो डीकैल्सिफाइड रिएजेंट थे और मेथड थे कि उसको यूज कैसे करते हैं उनको अलग अलग। तो आज के पीछे के लेक्चर में आपने क्या था देखा था, वीक एसिड। वीक एसिड से पहले वाले लेक्चर में क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में तीन प्रकार के एसिड देखे थे आपने, एक तो नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एरिनस ब्लू। जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिला के अपन फॉर्म करते हैं, ये तीनों से स्ट्रॉन्ग एसिड। आज पीछे के लेक्चर में क्या था, वीक एसिड में। वीक में पहला कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का कंपोजिशन क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड यानी कंप्लीटली सांद्र जो फॉर्मिक एसिड है वो कितना लेना है अपने को, 5 to 25 ml। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है, एज की रिएजेंट की। और डिस्टिल वाटर कितना लेना है, 100 ml। इन दोनों को कंपोज करके अपन क्या तैयार कर लेंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। फिर प्रोसीजर वेल फिक्स्ड, 2 to 5 ml थिक ब्लॉक आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, चेंज रूटीनली अंटिल डीकैल्सिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट। यानी क्या, अच्छे तरीके से फिक्स किया हुआ टिश्यू होना चाहिए, कितने एमएम का, 2 to 5 ml का ब्लॉक का। और उसको किसमें प्लेस कर दोगे आप, वीक एसिड में यानी फॉर्मिक एसिड में प्लेस कर दोगे, और उसको इंटरवल के टाइम के अकॉर्डिंग जैसे 1 to 2 घंटे के बाद उस रिएजेंट को चेंज करते रहोगे। कब तक चेंज करोगे, जब तक डीकैल्सिफिकेशन क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस फ्लूड विद 5% सोडियम सल्फेट, और इस फ्लूड को फिर रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, 5% सोडियम सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वाश द ब्लॉक विद टैप वाटर, और फिर लास्ट में बॉक्स जो ब्लॉक है, टिश्यू ब्लॉक है, टिश्यू पीस है, उसको किस में वॉश करोगे, टैप वाटर के अंदर यानी वाटर के अंदर। रिहाइड्रेटिंग इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद में क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग आती है, और टिश्यू प्रोसेसिंग में बस स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिहाइड्रेटिंग करोगे उसके बाद। नेक्स्ट एडवांटेज क्या क्या है फॉर्मिक एसिड की, इट्स मेनली यूज फॉर वेरी स्मॉल बोन एंड इंटर बायोप्सी। यानी फॉर्मिक एसिड जो है, एक तो छोटी बोन के लिए, और दूसरा क्या है, मिडल बायोप्सी के लिए, यानी मिडल से जो सैंपल लिए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के, उनके लिए क्या है, काम में लिया जाता है। मिडल से सैंपल कौन से लिए जाते हैं, जैसे मिडल से सैंपल कौन से लिए जाते हैं, जैसे बोन मैरो से, स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर हो, वहां से लिए गए सैंपल के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्मिक एसिड इज जेंटली एंड स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, तो अच्छा है, और एक क्या है, स्लोअर है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रिक एसिड में। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मोस्ट रूटीनली सर्जिकल स्पेसिमेन एंड पार्शियली इम्यूनोहिस्टोकेमिकल। और ये क्या है, मोस्टली जितने भी सर्जिकल स्पेसिमेन होते हैं उन सभी के लिए क्या है, सुटेबल है, अपन सभी के लिए, सभी को, सभी के अंदर क्या है, इसको काम में ले सकते हैं। और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल में जिसको काम में लेते हैं, यानी अगर किसी टिश्यू के अंदर अपने को एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो उसके अंदर भी क्या है, अपन फॉर्मिक एसिड को काम में ले सकते हैं। डीकैल्सिफिकेशन मोस्टली कम्प्लीट इन 2 to 5 days। और जो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर है वो कितने दिन में कम्प्लीट हो जाता है इस रिएजेंट से, 2 to 5 दिन के अंदर। नेक्स्ट रिएजेंट कौन सा है, एसिटिक एसिड, जिसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मेलिन सलाइन कितने परसेंट लोगे, 10%, 25 ml। और एसिटिक एसिड कितने ml लोगे, कितने ग्राम लोगे, 5 ग्राम। और ये सॉल्यूशन, ये कंपोजिशन जो है कितने टाइम लेता है डीकैल्सिफिकेशन में, टाइम टेक 3 to 5 days फॉर डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसीजर में 3 to 5 दिन खत्म लेता है। यहां तक एसिड जो मेथड था,
यानी दोनों प्रकार के एसिड कंप्लीट हो गए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कौन सा मेथड आ गया, सेकंड आयन एक्सचेंज रेजिन, रेजिन की यानी कोई सॉलिड या फॉर्म, ये कोई सॉल्यूशन तो प्लांट से अपन ने लिया है नेचुरल। रेजिन में देखिए, इट इज यूज्ड टू रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिश्यूज, को किस चीज के लिए काम में लेते हैं अपन, कैल्शियम आयन को रिमूव करने के लिए, किसके अंदर से, टिश्यू के अंदर से, एंश्योर मोर रैपिड ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम टिश्यू। और ये क्या है, इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ा देता है कैल्शियम आयन की, वो टिश्यू से उसको रिमूव कर देता है कंफर्मली। रिडक्शन इन टाइम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, अदर जितने भी चार्ज है या सोल्यूशन है उनके कंपेरिजन में क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन से डीकैल्सिफिकेशन में टाइम में कमी आती है, यानी कम समय में यह प्रोसीजर को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट है एडवांटेज, इसकी एडवांटेज आयन एक्सचेंज की, आयन एक्सचेंज रेजिन की एडवांटेज, तो इसमें देखिए, वेल प्रिजर्व सेलुलर डिटेल, यानी ये के सेल की डिटेल्स को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करता है। आपको पता है एक टिश्यू लोगे आप, टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल्स प्रेजेंट होगी, और सेल में साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया या अदर सेलुलर ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, उन सभी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट मतलब प्रिजर्व करता है, बचाए रखता है। नेक्स्ट क्या है, फास्ट डीकैल्सिफिकेशन, यानी जो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जल्दी कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ डेली सॉल्यूशन चेंजेस, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन चेंजेस में क्या जाते हैं, एलिमिनेशन आते हैं। रेजिन कैन बी रीयूज्ड बाय रिमूविंग एक्सेसिव एसिड, और रेजिन को अपन क्या है वापस काम में ले सकते हैं, कब लेंगे, उनके अंदर से जो एक्सेसिव एसिड है ज्यादा एसिड की मात्रा, उसको रिमूव करके उनको रीयूज कर लेंगे, यानी रिसाइकिल कर सकते हैं अपन रेजिन को। नेक्स्ट है प्रोसीजर, प्रोसीजर में देखिए, टिश्यू इज प्लेस इन ए सोल्यूशन ऑफ 10-20% रेजिन एंड फॉर्मिक एसिड, यानी टिश्यू को आप किसमें प्लेस करोगे, सबसे पहले 10-20% रेजिन में और फॉर्मिक एसिड में, यानी रेजिन और फॉर्मिक एसिड को मिला के क्या है सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें क्या है टिश्यू को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेजिन यूज्ड ऑस्मियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलिस्ट्रीन रेजिन, यानी रेजिन की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है, ऑस्मियम फॉर्म यूज में ली जाती है जो पॉलिस्ट्राइन है सल्फोनेटेड की। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 20-30 टाइम्स ऑफ टिश्यू, यानी जो रेजिन का वॉल्यूम होगा जो डीकैल्सिफिकेशन के लिए अपन काम में लेंगे वो कितने गुना होगा, टिश्यू के वॉल्यूम के 20-30 गुना होगा। नेक्स्ट क्या है, चिलेटिंग एजेंट, यानी रेजिन कंप्लीट हो गया, एसिड कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या बचा है आपका, चिलेटिंग एजेंट यानी चिलेटिंग सॉल्यूशन। तो प्रोसेस देखिए, इसके प्रोसीजर क्या है, कॉमनली यूज्ड एजेंट इज EDTA, यानी इसके लिए अपन कॉमनली कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, EDTA काम में लेते हैं, यानी एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड को काम में लेते हैं। आपको पता है EDTA क्या है, एंटीकोगुलेंट है, जो क्या है ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर को बाइंड करता है, ब्लड के अंदर भी कैल्शियम को बाइंड कर देता है, जिससे क्लोटिंग मैकेनिज्म नहीं होती, क्योंकि कैल्शियम क्या है ब्लड क्लोटिंग का चौथा फैक्टर है, तो उसको बाइंड करता है, और यहां से भी क्या करता है टिश्यू के अंदर भी किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को, बाइंड टू द मेटेलिक आयन सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये क्या है, मेटेलिक आयन को बाइंड करने की इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, किसको बाइंड करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। स्लो प्रोसेस दैट डू नॉट डैमेज टिश्यू एंड टीयर सेंसिटिविटी, यानी चिलेटिंग एजेंट की जो प्रोसेसिंग होती है डीकैल्सिफिकेशन की, उसकी क्या होती है, स्लो होती है, वो धीरे धीरे डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, तो टिश्यू की जो टीयर सेंसिटिविटी होती है उसको भी मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। नेक्स्ट है एक्सपेंड बॉन डीकैल्सी फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिकल, और क्या है एंजाइम स्टेनिंग एंड आल्सो यूज फॉर एंड आल्सो फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी बोन्स को अपन किसमें एक्सचेंज करेंगे, डीकैल्सी फॉर में, और अलावा किस चीज के लिए काम में ले सकते हैं टिश्यूज को, जब EDTA अपन काम में काम करेंगे डीकैल्सिफिकेशन का, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल के अंदर काम में ले सकते हैं, एंजाइम स्टेनिंग के अंदर भी टिश्यू को काम में ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अपन काम में ले सकते हैं, यानी टिश्यू इन सारी चीजों में काम में आ जाएगा जब EDTA से अपन डीकैल्सिफिकेशन करेंगे।
नेक्स्ट है एडवांटेज, यानी इसके एडवांटेज क्या क्या है, कौन सी चीजें इसमें बेनिफिशियल है। इट शो मिनिमम चेंजेस इन आर्किटेक्चर सेक्शन सेन बाय मोर टेक्निक विद बेटर रिजल्ट। यानी ये क्या है, टिश्यू की जो आर्किटेक्चर होती है यानी टेप एंड जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर केमिकल कंपाउंड होते हैं, उन सभी को क्या अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है और उनके अंदर से अच्छे तरीके से कैल्शियम आयन को रिमूव करता है। नेक्स्ट के डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज में देखिए स्लो प्रोसेस एज कैल्शियम आयन रिमूव्ड बाय लेयर बाय लेयर, यानी इसकी प्रोसेसिंग जो है क्रिएटिंग एजेंसी वो क्या होती है, धीरे होती है, स्लो होती है, और उनको रिमूव करते हैं अपन। कैसे रिमूव करता है कैल्शियम आयन को, लेयर बाय लेयर, जैसे सबसे पहले ऊपरी लेयर को कैल्शियम को रिमूव करेगा, फिर उससे नीचे की लेयर को रिमूव करेगा, फिर उससे नीचे की लेयर को रिमूव करेगा, यानी सीक्वेंस के अंदर क्या है कैल्शियम को रिमूव करता है। नेक्स्ट एसिड न्यूट्रलाइजेशन, तो टिश्यू शुड बी न्यूट्रलाइज बाय द एसिटिक एसिड, जो आपने क्या है जैसे आयन एक्सचेंज लिया या एसिड लिया उनको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें इफेक्ट आ गया, तो इनको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे डिकैल्सिफिकेशन के बाद एसिटिक एसिड से, ठीक है, और फिर क्या करोगे वॉशिंग करोगे किसमें, वॉशिंग द टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ एल्कोहल, ड्यूरेशन 2 to 4 आवर्स, और फिर इनको क्या किसमें वॉश करोगे एल्कोहल के अंदर वॉश करोगे, कितने टाइम के लिए, 2 से 4 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्या है एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी एंड पॉइंट्स में अपन क्या करते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसीजर हो गया है या नहीं, यानी किसी टिश्यू के अंदर से कैल्शियम आयन कंप्लीटली रिमूव हो गए या नहीं, उस चीज को क्या है अपन एस्टिमेट करते हैं, किसके द्वारा, एंड पॉइंट्स के द्वारा। इसमें सबसे पहला मेथड क्या है एक्सरे मेथड, एक्सरे में देखिए एक्सरे ऑफ द डीकैल्सिफाइड टिश्यू मे बी टेकन एट रेगुलर इंटरवेल, यानी एक्सरे क्या है एक्सरे प्रोसीजर से अपन एस्टिमेट करेंगे, तो रेगुलर इंटरवल के टाइम पे अपन क्या है एक्सरे उसका एक्सपोज करेंगे, यानी जैसे 2 घंटे हो गए किसी सॉल्यूशन के अंदर टिश्यू को, तो 2 घंटे बाद एक्सरे करके देखिए कि उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है तो वापिस उसको सॉल्यूशन में डाल दिया डीकैल्सिफाइड में, फिर उसको 2 घंटे बाद चेक कर लिया। इस तरीके से क्या है अपन रेगुलर इंटरवल में एक्सरे करके देखेंगे कि टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, व्हेन द टिश्यू डू नॉट विजिबल इन द एक्सरे इट मींस डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, यानी क्या है जब कंप्लीट, यानी टिश्यू क्या है एक्सरे के अंदर एक्सपोज होना, यानी टिश्यू क्या है एक्सरे के अंदर आना या दिखना बंद हो जाएगा, विजिबल होना बंद हो जाएगा, नॉट विजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। तो आपने एक्सरे में देखा हो कि मोस्टली क्या है बोन्स ही दिखाई देती है, टिश्यू दिखाई नहीं देते, तो इसी तरीके से क्या है टिश्यू अगर दिखाई नहीं देगा तो मतलब क्या है कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बट दीज एक्सरे मेथड नॉट पॉसिबल विद फिक्सेटिव लाइट मर्करी क्लोराइड विच आर देमसेल्फ रेडियो एक्टिव, यानी एक्सरे मेथड क्या है कि जैसे रेडियो एक्टिव है एलिमेंट के साथ कामयाब नहीं है, उसको यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे किसी टिश्यू का मर्क्यूरी क्लोराइड से आपने क्या है फिक्सेशन किया, उसका आप एक्सरे करोगे तो उस पर रेडिएशन जाएगी, तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए या फिर अदर हैजार्डियस रेडिएशन इंक्रीज कर दे वो रूम के अंदर, जिससे क्या कैंसर वगैरह की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अपन क्या एक्सरे नहीं कर सकते, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ एक्सरे नहीं कर सकते, दिस मेथड हार्मफुल ऑफ फोर टिश्यू स्ट्रक्चर, और एक्सरे बार बार अपन एक्सरे एक्सपोज करेंगे किसी टिश्यू का तो वो क्या है उसकी स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है, तो उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा डैमेज कर देगा। शुरू से देखिए एक्सरे ऑफ डीकैल्सिफाइड टिश्यू मे बी टेकन रेगुलर इंटरवल, यानी जिस टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन चल रहा है उसका रेगुलरली अपन क्या करेंगे एक्सरे एक्सपोज करेंगे। व्हेन द टिश्यू डू नॉट विजिबल इन द एक्सरे इट मींस डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, यानी व्हेन द टिश्यू डू नॉट विजिबल, यानी जब क्या टिश्यू अपने को दिखाई नहीं देगा किस चीज में इन द एक्सरे यानी एक्सरे में, इट मींस डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, यानी डीकैल्सिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। बट दीज एक्सरे मेथड नॉट पॉसिबल विद फिक्सेटिव लाइट मर्करी क्लोराइड विद आर देमसेल्फ रेडियो एक्टिव,
और ये जो एक्सरे टेक्निक है वो क्या है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ में काम में नहीं ली जाती, यानी उपयोगी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से अगर आप रेडिएशन डालोगे तो वो क्या है, हैजार्डियस रेडिएशन कोज करेगा या फिर अदर कोई डिजीज कोज कर देगा। नेक्स्ट, दिस मेथड हार्मफुल फॉर टिश्यू स्ट्रक्चर। और एक्सरे जो मेथड है एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन को एस्टिमेट करने का, वो क्या होता है, हार्मफुल है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि अगर आप बार बार एक्सपोज करोगे एक्सरे रेगुलर इंटरवल पे तो टिश्यू के अंदर जो मसल्स है उनको डैमेज कर देगा। नेक्स्ट क्या है, केमिकल मेथड, यानी जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है दी एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन में, वो कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड। तो इसमें देखिए, बाय एडिंग अमोनियम ऑक्सेलेट टू द सॉल्यूशन बिफोर क्लेंजिंग डिटरमाइन द कंप्लीट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी इस मेथड में क्या काम मिलेंगे अपन, अमोनियम ऑक्सेलेट को काम मिलेंगे। जैसे किसी टिश्यू को आपने क्या डाल दिया, डीकैल्सिफिकेशन डाल दिया, फिर क्या जैसे उसका टाइम हो गया 2 से 3 घंटे, तो आप क्या करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या डालेंगे, अमोनियम ऑक्सेलेट डालेंगे। अगर अमोनियम ऑक्सेलेट डाल के क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे उसका डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सेलेट इज फॉर्म इन द सॉल्यूशन दैट मीन डीकैल्सिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट। और अगर उस सॉल्यूशन में आपने अमोनियम ऑक्सेलेट डाला है जिसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सेलेट फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सेलेट बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कैल्शियम के आयन प्रेजेंट थे अभी सॉल्यूशन में, मतलब टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीटली हुआ नहीं है। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सेलेट इज नॉट फॉर्म इन द डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन दैट मीन डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट। और अगर क्या है कि जैसे कैल्शियम ऑक्सेलेट उस टिश्यू के अंदर फॉर्म नहीं होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो शुरू से देखिए, By adding ammonium oxalate to the solution beforehand, यानी क्या है, अमोनियम ऑक्सोलेट अपन उस सोल्यूशन में डालेंगे डीकैल्सिफाइड सोल्यूशन चेंज करने से पहले, बिफोर यानी पहले, चेंजिंग डिटरमाइन द कंप्लीट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन के अंदर सोल्यूशन को चेंज करने से पहले उसमें अमोनियम ऑक्सोलेट डाल के देख लेंगे कि कौन सी जो कैल्शियम का रिमूवल है, यानी कैल्शियम रिमूव हुई है या नहीं हुई है कंप्लीटली टिश्यू से। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सोलेट इज फॉर्म इन द सोल्यूशन दैट मीन डीकैल्सिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट। और अगर क्या है किसी टिश्यू के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम ऑक्सोलेट फॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन में कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे, मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई है कैल्शियम, यानी डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीटली नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इफ कैल्शियम ऑक्सोलेट इज नॉट फॉर्म इन द डीकैल्सिफाइड सोल्यूशन, और अगर क्या है कैल्शियम ऑक्सेलेट नहीं बनती है डीकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में, दैट मीन डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट। और इसका मतलब क्या है कि आपका डीकैल्सिफिकेशन है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, मैनुअल मेथड, यानी तीसरा मेथड। एंड पॉइंट में एक्सरे था, दूसरा क्या होता है, केमिकल मेथड जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, तीसरा क्या है, मैनुअल मेथड। मैनुअल का मतलब होता है कि इस चीज को फील करना या टच करना, वैसे यानी देखना। तो इसमें देखिए, वी कैन एस्टिमेट द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन बाय मैनुअली टचिंग द टिश्यू और सॉफ्टनिंग, यानी क्या है, अपन मैनुअली चेक कर सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन के एंड पॉइंट का, डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, बाय मैनुअली टचिंग, यानी टिश्यू को टच करके, और सॉफ्टनिंग यानी टिश्यू को टच करके या उसको दबा के कि टिश्यू सॉफ्ट है या हार्ड है, अपन चेक कर सकते हैं कि उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है। आपको पता है अगर किसी टिश्यू में बोन प्रेजेंट होगी तो वो हार्ड होगा, अगर उसमें कोई बोन या कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो सॉफ्ट होगा, तो उसको टच करके अपन देख सकते हैं। और बाय इंजेक्टिंग द नीडल और स्केल्पल ब्लेड इन द टिश्यू, या फिर अपन क्या करेंगे, टच करने के बजाय उसमें नीडल इंजेक्ट करवा लेंगे, अगर नीडल उसके आर पार चली जाती है टिश्यू पीस से तो क्या है, उसमें कैल्शियम आयन की प्रेजेंट नहीं है, या स्केल्पल ब्लेड क्या है उसमें इंजेक्ट करवा देंगे, यानी इसके अंदर कट लगा के देख लेंगे टिश्यू के अंदर। ये क्या है, सारे के सारे मैनुअल मेथड है। बट नेक्स्ट लाइन में देखिए,
बट दिस इज वेरी क्रूड मेथड, इट कैन डैमेज द फिशिंग स्ट्रक्चर. ये क्या है, बहुत ही रूड मेथड है जो क्या कर सकते हैं, टिश्यू के शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं. आपको पता है आप किसी भी टिश्यू को दबाओगे या प्रेस करोगे तो उसकी स्ट्रक्चर है मसल से उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, या नीडल इंजेक्ट करवाओगे तो भी उसकी मसल डैमेज होगी, या फिर क्या है उसको कट करोगे तो क्या है उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो टिश्यू की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, मोस्टली केमिकल मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन. और सबसे ज्यादा कौन सा मेथड काम में लिया जाता है एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, केमिकल मेथड. तो शुरू से देखिए मैनुअल मेथड क्या है. वी कैन एस्टिमेट द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन बाय मैनुअल टचिंग द टिश्यू और सॉफ्टनिंग और बाय इंजेक्टिंग द नीडल और स्कैल्पल ब्लेड इन द टिश्यू. यानी क्या है, अपन डीकैल्सिफिकेशन का एंड पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं टिश्यू को टच करके, उसकी सॉफ्टनेस देख के कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, उसके अंदर नीडल इंजेक्ट करवा के कि अगर नीडल इंजेक्ट हो जाती है तो मतलब कैल्शियम आयन की प्रेजेंट नहीं है, तो नीडल इंजेक्ट नहीं होती यानी बोन टच हो जाती है आगे, तो मतलब डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ. और क्या है, उसमें कट लगा के भी अपन देख सकते हैं. बट दिस इज वेरी क्रूड मेथड, इट कैन डैमेज द टिश्यू स्ट्रक्चर. ये क्या है, बहुत ही रूड मेथड है और जो क्या है टिश्यू की शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है. मोस्टली केमिकल मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन. और मोस्टली सबसे ज्यादा यानी कौन सा मेथड काम में लेते हैं अपन डीकैल्सिफिकेशन का पता लगाने के लिए, केमिकल मेथड. नेक्स्ट क्या है, फैक्टर दैट इफेक्टिंग डीकैल्सिफिकेशन, यानी ऐसे फैक्टर्स जो डीकैल्सिफिकेशन को क्या है इफेक्ट करते हैं यानी उस पर प्रभाव डालते हैं. तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, यानी हायर द कंसंट्रेशन रिएजेंट कैन बी डू फास्टर डीकैल्सिफिकेशन. यानी अगर किसी रिएजेंट की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, यानी वो नेक्स्ट क्या है, लोअर द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट कैन बी डू स्लो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर. और अगर क्या है कि किसी सॉल्यूशन की यानी डीकैल्सिफर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है लोअर है यानी कम है, वो सांद्र कम है, तो वो क्या है डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर क्या करेगा, धीरे करेगा. नेक्स्ट एज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी उसकी सॉल्यूशन की रिएजेंट की एज भी मैटर करती है. अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिएजेंट कैन बी डू फास्ट डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर, यानी आपने फ्रेशली अभी तैयार किया है डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन को, तो वो क्या करेगा डीकैल्सिफिकेशन को प्रोसीजर को फास्ट कर देगा, जल्दी करेगा डीकैल्सिफिकेशन. ओल्डर रिएजेंट कैन डू स्लो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर, और ओल्डर जो रिएजेंट होता है यानी पुराना रिएजेंट क्या है धीरे धीरे डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर करेगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इन लिमिट रेंज डीकैल्सिफिकेशन इंक्रीज, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे डीकैल्सिफिकेशन में तो वो क्या करेगा डीकैल्सिफिकेशन को इंक्रीज कर देगा, लेकिन क्या करोगे लिमिट रेंज में इंक्रीज करोगे तब. बट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इन वेरी हाई रेंज इट कैन कॉज टिश्यू बर्निंग. और आपने क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया यानी काफी अमाउंट में इंक्रीज कर दिया, तो वो क्या कर देगा टिश्यू बर्निंग कॉज कर देगा यानी टिश्यू को जला देगा. नेक्स्ट है एजिटेशन, यानी किसी चीज को मिक्स करना या घोलना. स्लो एजिटेशन फास्ट दैट डीकैल्सिफिकेशन, यानी क्या है धीरे धीरे अगर आप क्या है किसी को एजिटेट करोगे हिलाओगे या मिक्स करोगे तो वो क्या है डीकैल्सिफिकेशन को फास्ट करेगा. एंड फास्टर एजिटेशन डिक्रीज द रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, और आप क्या है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स कर दोगे तो वो क्या है डीकैल्सिफिकेशन की जो रेट है यानी टाइम है उसको क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा, यानी डीकैल्सिफिकेशन क्या है ज्यादा से ज्यादा समय में होगा. नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन, यानी कंप्लीटली अगर अपन देखना चाहें सारा इसका कि निचोड़ क्या निकलता है यानी अर्थ क्या है डीकैल्सिफिकेशन का. तो डीकैल्सिफिकेशन इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बट बी सक्सेसफुल रिक्वायर्ड, यानी एक क्या है सीधी फॉरवर्ड प्रोसीजर है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है इसको करने के लिए. ए केयरफुली प्राइमरली असेसमेंट ऑफ द स्पेसिमेन थ्रू फिक्सेशन, यानी क्या है अच्छे तरीके से सबसे पहले टिश्यू को फिक्सेशन टिश्यू का अच्छे तरीके से होना चाहिए और स्पेसिमेन का सिलेक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए कि उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है.
Next, preparation of slice of responsible thickness for fixation and processing. उसके बाद क्या है कि अपने एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके स्लाइस है यानी टिश्यू के पीस है उसकी थिकनेस कितनी है, वो भी मैटर करती है। उसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि टिश्यू की मोटाई ज्यादा है या फिर कम है। वो सारी चीजें ध्यान में रखे अपन क्या करते हैं, टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ सुटेबल डीकैल्सिफाइड विद एडिक्वेट वॉल्यूम चेंज रेगुलरली। और अपने चॉइस के हिसाब से अपने को सुटेबल डीकैल्सिफाइड रिएजेंट काम में लेना चाहिए, जैसे बोन मैरो के लिए या फिर अदर कोई टिश्यू है तो उसके लिए अलग अलग डीकैल्सिफाइड रिएजेंट काम में लेते हैं और उसको रेगुलरली अपने को चेंज करता रहना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे। जैसे किसी टिश्यू में 2 घंटे लगता है, किसी में 3 घंटे, अलग अलग टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहना चाहिए। ए केयरफुली डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट, और अपने को क्या है ध्यान पूर्वक उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करना चाहिए वरना आपकी सेहत क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। थ्रू प्रोसेसिंग यूजिंग ए सुटेबल शेड्यूल, और इस प्रोसेसिंग में अपने को क्या है सुटेबल एक अच्छे तरीके का शेड्यूल काम में लेना चाहिए, टाइम अपने को नोट करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, ग्रोथिंग ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू की ग्रोथिंग कैसे करते हैं, उसको देखते कैसे हैं और उसके अंदर जो लीजन प्रेजेंट है उस पोर्शन को अलग कैसे करते हैं। थैंक्स टू ऑल।